उत्तर प्रदेश के बलिया में आज 12वीं कक्षा का अंग्रेजी का पेपर लीक हो गया था, जिसके चलते दोपहर 2 बजे से होने वाली परीक्षा 24 जिलों में रद्द कर दी गई। जैसे ही पेपर रद्द होने की खबर फैली, लोगों में कुछ बातों को लेकर असमंजस और कौतूहल पैदा हो गया कि आखिर यह पेपर अब कब होगा, इसकी जांच कैसे होगी और इस जो पेपर लीक हुआ है उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, यानी कौन है जो इस पेपर लीक के पीछे का मास्टरमाइंड है। फिलहाल 2 सवालों से पर्दा उठ गया है। इस मामले में उत्तर प्रदेश की नव निर्वाचित शिक्षा मंत्री गुलाब देवी ने मामले को संज्ञान में लिया है और अंग्रेजी के 2 सेट पेपर लीक मामले में उसकी जांच का जिम्मा उत्तर प्रदेश स्पेशल टास्क फोर्स यानी एसटीएफ को सौंपा गया है। अब बात करें कि ये पेपर कब कराया जाएगा, तो उसकी नई डेट भी आ गई है। जी हाँ, जो पेपर आज लीक हुआ है उसकी नई डेट आ गई है। हम आपको बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में जो पेपर लीक हुआ है उस इंटरमीडिएट का, उसकी नई डेट जारी कर दी गई है। यानी जो पेपर आज दोपहर 30 मार्च को दोपहर 2 बजे होना था, वो पेपर अब 13 अप्रैल को सुबह की पाली में यानी 8 बजे से 11:15 तक होगा। तो ये पेपर की नई डेट जारी कर दी गई है और साथ ही में इसका जिम्मा, इसकी जो जांच है वो एसटीएफ को सौंप दी गई है। ये इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं।